हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरे स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग। मॉडर्न फिजिक्स के अंदर में एक्सरे काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है और ये हमारे डे टू डे लाइफ के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हेल्थ जो हेल्थ के लिए काफ़ी यूज़ होता है, यानी मेडिकल में बहुत सारे यूज होते हैं। जैसे किसी का फ्रैक्चर हो जाए, हड्डी में कहीं फ्रैक्चर आ जाता है तो एक्सरे का यूज़ किया जाता है। ऐसे बहुत सारे इस्तेमाल है इसके। एक तो एक्सरे जो है मेडिकल के लिए जो यूज होता है वो तो एक नॉर्मल जो हम जानते हैं, इसके अलावा बहुत सारे इस्तेमाल हैं इसके। इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल होता है। ओके, इस्तेमाल है कोई रेल की पटरी है उसके अंदर में कुछ बबल्स आ गए हैं तो वो एक्सरे के ही द्वारा निकाला जाता है, एक्सरे के द्वारा ही उसको पता चलता है और इसके बहुत सारे इस्तेमाल है। तो बेसिकली बात करते हैं कि इसमें इसके बारे में अगर हम बात करें तो बेसिकली है क्या है? तो ये एक तरह से एक रेडियस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है और इसकी वेवलेंथ जो होती है वो बहुत ही कम होती है, 0.1 एंगस्ट्रॉम से लेके और 100 एंगस्ट्रॉम तक का जो रेडिएशन होते हैं उनको हम बोलते हैं कि ये एक्सरे के अंदर में आता है। ओके, तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि मेडिकल में इस्तेमाल है बहुत सारे अलग अलग, यहाँ पे किसी के हाथ या किसी के हड्डी में फ्रैक्चर हो गया तो फ्रैक्चर के लिए हम मेडिकल में इसका इस्तेमाल करते हैं एक्सरे किया। यहाँ पे एक चीज देखेंगे कि जो जो आपकी जो मांसपेशियां है मांसपेशियों के आकार गुजर जाता है लेकिन हड्डी जो है ना हड्डी के आकार नहीं गुजरता है, तो इस तरह से हर उसके भी आकार गुजर जाता है लेकिन अगर फ्रैक्चर आएगा तो इस तरह की लाइनिंग दिखेगी। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे कैसे होगा नॉर्मली आप वैसे काफ़ी लोग फेमिलियर होंगे इससे कि होता कैसे है या कैसे दिया जाता है, लेकिन फिर भी अगर हम देखें ये मशीन यहाँ पे होती है यानी यहाँ से एक्सरे निकलती है और यहाँ पे जिस जो भी पार्ट बॉडी पार्ट का एक्सरे करना होता है वो यहाँ पे बीच में रखते हैं। यहाँ की प्लेट होती है, फिल्म होती है, एक फोटोग्राफिक फिल्म होती है जिसपे इसका इमेज बन जाता है, यानी कि हाथ से एक्सरे निकलती है और वो यहाँ पे फिल्म में पड़ती है तो ये फिल्म आपको दिखाई देता है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग। और अब बात करते हैं कि ये हुआ क्या इसके जनरेशन के बारे में या कैसे पैदा कैसे करते हैं या इसकी प्रॉपर्टी के बारे में, सारी चीज़ें हम यहाँ बात करेंगे। वेवलेंथ के बारे में बता रहा हूँ, 0.1 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम तक का जो वेवलेंथ है वो एक्सरे के अंदर में आता है। लेकिन को जो ना ये साइंटिस्ट थे विलियम रोनचन, उन्होंने देखा कि ऑब्जर्व किया कि हाईली पेनिट्रेटिंग वेवलेंथ हाईली पेनिट्रेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं और ये जो है क्या करती है कि फोटोग्राफिक प्लेट को जो है ये इफेक्टिव फोटोग्राफिक प्लेट को इफेक्ट करती है। और ये अब इसको अगर मैं देखूँ इसको प्रोड्यूस कैसे किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है तो उसके लिए एक यहाँ पे सपोज के देखिए एक यहाँ पे इवैक्यूएटेड ट्यूब होती है यानी कि वैक्यूम ट्यूब होती है, इसके अंदर इससे एयर निकाली जाती है तो वैक्यूम इसके अंदर क्रिएट हो जाता है। और यहाँ पे कैथोड रहता है कि इसको फिलामेंट यहाँ पे होता है, फिलामेंट भी गर्म करते हैं तो ऐसे गर्म करने के बाद इलेक्ट्रॉन्स ऐसे निकलती है और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कोई मटेरियल होता है, कोई भी मटेरियल अलग अलग मटेरियल इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको टारगेट बोलते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन अभी ये यहाँ ये इस प्लेट और यहाँ से इसके बीच में बहुत हाई पोटेंशियल अप्लाई किया जाता है, बहुत हाई पोटेंशियल जब अप्लाई किया जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं इससे वो बहुत काफ़ी स्पीड पकड़ लेते हैं, बहुत स्पीड पकड़ते हैं यानी बहुत स्पीड में आके और इस टारगेट को जो मेटल का नॉर्मली होता है उसको हीट करते हैं और हीट करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है ये एक्सरे निकलता है। ओके, ये तो उन्होंने जस्ट जिससे जनरेट होता है वो उन्होंने दिखाया, लेकिन अब क्यों निकल क्यों रही है ये एक्सरे कैसे क्यों निकल रही है इसके पीछे का जो एक्सप्लेनेशन है या उस कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें तो देखिए बेसिकली यहाँ पे एक चीज़ तो आपको समझ में आ रही है कि इलेक्ट्रॉन बहुत हाई स्पीड पे आके और हीट कर रहे हैं और जब इलेक्ट्रॉन हीट करेगी इसके ऊपर तो हीट करेगी तो सडनली रेस्ट पे आ जाएगी। ओके, बहुत हाई स्पीड से आ रही है और यहाँ पे रेस्ट पे आ रही है तो यानी कि क्या हो रहा है एक तरह से रिटार्डेशन हो रहा है। रिटार्डेशन भाई कोई भी चीज़ बहुत हाई स्पीड से चल रही है और सडनली रुक जा रही है तो वो रेस्ट पे ही तो मतलब रुक जा रही है तो रिटार्डेशन ही तो हो रहा है। ओके, रिटार्डेशन भी तो एक्सेलरेशन ही है यानी कि उसको नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं। ओके, तो ये इसको यहाँ पे बेसिकली इन्होंने एक्सप्लेन किया कि दो तरह की एक्सरे आती है, दो तरह की एक्सरे होती है, एक होता है कंटीन्यूअस एक्सरे। कंटीन्यूअस एक्सरे क्या है, किसका
जनरेशन कैसे होता है, बहुत हाई स्पीड से जो इलेक्ट्रॉन्स आ रही है वो यहाँ पे हिट कर रही है, रिटार्डेशन हो रहा है, रिटार्डेशन है कि नॉट नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। तो आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ये बोलती है, ईएम वेव थ्योरी बोलती है कि कोई एक्सेलरेटेड चार्ज जो होता है वो क्या करता है, रेडिएशन प्रोड्यूस करता है। कोई भी एक्सेलरेटेड चार्ज जो होती है और वो ये क्या करता है, रेडिएशन प्रोड्यूस करता है। ओके, कोई पार्टिकल आ रही है बहुत तेजी से और हिट कर रही है किसी सरफेस को और सडनली रुक जाती है, तो ये बेसिकली एक रिटार्डेशन है, यानी इधर से नेगेटिव एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेटेड ही तो है। ओके, तो एक्सेलरेटेड ही तो है। ये यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हैं कि पार्टिकल एक्सेलरेटेड ही तो है कि नहीं। तो वहां पे जो इलेक्ट्रॉन चार्ज के चार्ज पार्टिकल है वो एक्सेलरेट हो रहा है। ओके, तो एक्सेलरेट हो रहा है तो वहां से क्या होता है कि रेडिएशन निकल रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकल रही है और ये एक्सरे ही वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ओके, यही इन्होंने ये कंटीन्यूअस एक्सरे में बताया। इस तरह से इस प्रोसेस से जो एक्सरे निकलती है उसको कंटीन्यूअस एक्सरे बोलते हैं। ओके, इसको कंटीन्यूअस एक्सरे बोलते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर डायग्राम की बात करें तो देखिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन आई और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, सरफेस ये टारगेट है, टारगेट मटेरियल जो आप देख रहे थे, टारगेट मटेरियल। ओके, तो ये टारगेट मटेरियल जो है उसका आप देखिए उस पर इलेक्ट्रॉन्स आ रही है, हीट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन आके यहाँ पे हीट कर रहे हैं। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ये इसको रिटार्ड कर रही है, रिटार्ड करेंगे तो यानी कि इसके काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ रहा है और रिटार्डेशन हो रहा है, तो रिटार्डेशन होगा तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलेगी। क्यों तो निकलेगी भाई, क्योंकि इनके काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ रहा है, यहाँ पर कुछ काइनेटिक एनर्जी थी और यहाँ से पास होने के बाद काइनेटिक एनर्जी कुछ और है इस यहाँ पे, तो बेसिकली रिटार्डेशन हो रहा है तो वो एनर्जी निकल रही है एज एक्सरे, जिसको हम कंटीन्यूअस एक्सरे बोलते हैं। ओके, इस तरह से जो निकलती है, इस तरह से जो एक्सरे प्रोड्यूस होती है उसको हम एक नाम देते हैं, उसका एक बेसिकली इस सर्कमफेरेंस में इस तरह से जो प्रोड्यूस होती है एक्सरे उसको हम एक नाम देते हैं जर्मन ने, और वो उसको बोलते हैं ब्रामस्ट्रालन। ओके, इसका इसको बोलते हैं कि इसका मतलब होता है कंटिन्यूस, इसका मतलब होता है ब्रेकिंग रेडिएशन, इसका मतलब होता है ब्रेकिंग रेडिएशन। ओके, ब्रेकिंग यानी कि भाई तेजी से यहाँ पे इसका मतलब होता है ब्रेकिंग रेडिएशन। ओके, अब एनर्जी जो लॉस होता है इसमें ब्रामस्ट्रालन में उसको जो होती है वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जो एनर्जी लेके आ रहा होता है वो एनर्जी बेसिकली वो दे देता है रेडिएशन के फॉर्म में, वो जो भी इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा होता है वो इलेक्ट्रॉन जो है ना वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है कि क्योंकि बहुत तेजी से हीट किया तो उस अपनी एनर्जी जो होता है वो एक्सरे के फॉर्म में या एक्सरे या रेडिएशन के फॉर्म में दे देता है। ओके, तो उसमें दो तरह से यहाँ पे बेसिकली जो भी एनर्जी लेके आ रहा होता है वो देता है रेडिएशन के फॉर्म में। अब ये डिपेंड करता है कि जो एनर्जी लेके आ रहा है इलेक्ट्रॉन वो पूरी एक्सरे के फॉर्म में निकाल रहा है या पूरी थोड़ा सा उसका जो भी एनर्जी लेके आया है इलेक्ट्रॉन वो उसका एक थोड़ा सा पार्ट एक्सरे रेडिएशन के तौर पे निकाला कि पूरा निकाल दिया कि बिल्कुल ही नहीं निकाला रेडिएशन पूरा उस मेटल में है जो आपको मेटल कौन सा मेटल जिस टारगेट से हीट कर रहा है उसमें वो पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है। ये डिपेंड करता है कि किस तरह से हीट कर रहा है और कैसे हीट कर रहा है वहां पे। ओके, प्रोड्यूसेस यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि भाई जो भी एनर्जी लेके आया है इलेक्ट्रॉन वो पूरी एनर्जी उसने एक्सरे के फॉर्म में निकाल के दे दिया है। ओके, जो भी एनर्जी लेके आ रहा है वो एनर्जी पूरी एक्सरे के फॉर्म में निकाल दिया, यानी कि उसने पूरी एनर्जी अपनी दे दी एक्सरे के फॉर्म में, पूरी एनर्जी वो इलेक्ट्रॉन ने पूरी एनर्जी जो है ना जो भी एनर्जी लेके आ रहा है वो इलेक्ट्रॉन जो भी एनर्जी लेके आ रहा है वो पूरी रेडिएशन के फॉर्म में निकाल दिया। देखिए तीन चीजें हो सकती है, तीन अलग अलग सिचुएशन हो सकते हैं। पहला वाला ये है कि भाई पूरी एनर्जी निकाल दिया, दूसरा ये हो सकता है कि कुछ पार्ट रेडिएशन के फॉर्म में निकाला और कुछ
पार्ट जो है ना पुश पार्ट गर्म हीटअप कर दिया इसको, टारगेट को हिट कर दिया, हिट करने में बर्बाद कर दिया। और ये भी हो सकता है कि पूरा पूरा जो है वो इसका हीट करने में चला जाए, ये भी हो सकता है। ये तीनों पॉसिबिलिटी चेंजेस है। मैं मान के चलते हम लोग कि पूरी जो भी एनर्जी लेके आया वो पूरा एक्सेल के फॉर्म में चला गया। अब बताइए जब ये वोल्टेज वी वोल्टेज से वी वोल्टेज लेके आया था वी वोल्टेज, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ यहाँ पहुंचेगा, तो यहाँ से पहुंचेगा तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी की होगी, काइनेटिक एनर्जी की ई इंटू वी। ओके, और ये ई इंटू वी की जो काइनेटिक एनर्जी होगी ये पूरी पूरी ये एक्सरे के फॉर्म में चली जाएगी। अब एक्सरे की एनर्जी कितनी होगी भाई, एच सी बाई लैम्डा। ओके, यानी ये एच सी बाई लैम्डा एक्सरे की एनर्जी कहाँ से आ रही है, इस काइनेटिक एनर्जी से ही तो आ रही है। ओके, और इस समय देखिए इस समय क्योंकि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी भाई, यहाँ पे तो बर्बाद किया ही नहीं, यहाँ पे तो पूरा पूरा जो भी लेके आया था उसने एक्सरे में निकाल दिया। तो ये वेवलेंथ कितनी होगी, ये मिनिमम होगी, मतलब कि मैक्सिमम एनर्जी का फोटोन निकलेगा, मैक्सिमम फोटोन एनर्जी का फोटोन निकलेगा मतलब मिनिमम वेवलेंथ होगी। तो यहाँ पे हम निकालते हैं ई, यहाँ पे हम कर सकते हैं क्या भाई, तो ये कर सकते हैं ये एनर्जी ही तो इसके इसके बाद होगी एच सी बाई लैम्डा, दैट इज लैम्डा मिनिमम। ओके, दैट इज इक्वल टू ई इंटू वी, और यहाँ से लैम्डा मिनिमम जो होगा वो होगा क्या, दैट इज इक्वल टू एच सी बाई ई इंटू वी, एच सी बाई। इसको आप थोड़ा सा ये कैलकुलेट करते हैं, ओके थोड़ा सा इसको कैलकुलेशन करते हैं, तो ये चीजें आपको यहाँ पे आप अगर लैम्डा भी वोल्ट में देंगे तो ये आपको लैम्डा मिल जाएगा एंगस्ट्रॉम में, ठीक है, ये एंगस्ट्रॉम में निकल के आ जाता है। तो यही चीजें आपको यहाँ पे दी गई है, यहाँ पे यहाँ चीजें दी गई है। देखिए लैम्डा ये ऐसी जो भी एनर्जी आ रही है वो एनर्जी पूरा पूरा एनर्जी जो है वो पूरी एनर्जी ये चला गया वो रेडिएशन निकालने में, तो लैम्डा मिनिमम निकल गया। और इसकी वैल्यू जो आती है 1.375, इसको सिंपल करने के लिए हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 1.400 यानी 1400 ऐसे कर सकते हैं। इसको याद करने के लिए हम कई बार ऐसे भी लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, थोड़ा सा अंतर पड़ता है, ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता है, ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। यहाँ पे भी वोल्ट होगा एक्चुअली यहाँ पे, ठीक है ना, इसको भी यहाँ पे भी होना चाहिए, तो भी यहाँ पे भी होगा यहाँ पे, और ये ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1, 2, 3, 7, 5 इसको बराबर कैलकुलेशन में आसान करने के लिए देखिए 12,400 कर देते हैं, कितना अंतर पड़ेगा 25 का अंतर पड़ेगा। इसको याद रखने के लिए 1, 2, 3, 4, 5 कितने का अंतर पड़ेगा, 30 का अंतर पड़ेगा। तो 12,000 में 30, 25, 30 कोई मायने नहीं लगता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, आसान रहेगा याद करने में, कैलकुलेशन करने में। तो यहाँ से आपको लैम्डा मिनिमम मिल जाएगा, वो वेवलेंथ मिल जाएगा, यानी कि मैक्सिमम एनर्जी वाला वेवलेंथ मिल जाएगा। ये मैक्सिमम एनर्जी का वेवलेंथ आप देखेंगे कौन सा है, ये है, ये मैक्सिमम एनर्जी का वेवलेंथ ये है, यहाँ पे जो है ना लैम्डा मिनिमम जो आप निकाल रहे थे, ओके वो ये है। अब इंटेंसिटी यहाँ पर देख रहे होंगे, इंटेंसिटी इंटेंसिटी और लैम्डा के बीच में एक प्लॉट, कंटिन्यूअस लैम्डा कंटिन्यूअस एक्सरे है, इनके बीच में ये प्लॉट किया गया है। मतलब अगर आप वोल्टेज नहीं बढ़ाते, वोल्टेज मतलब कि जो यहाँ पे वोल्टेज नहीं बढ़ाते दोनों प्लेट्स के बीच में, तो जो लैम्डा मिनिमम होगा वो चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं चेंज हो रहा भाई, ये चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें नहीं चेंज हो रहा है कि लैम्डा पर डिपेंड करता है 1, 2, 3, 7, 5 बाई वी, ये किस पर डिपेंड कर रहा है, वी पे। आपने वी चेंज ही नहीं किया तो लैम्डा चेंज नहीं होगा, लैम्डा चेंज नहीं होगा, लैम्डा मिनिमम चेंज नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने इंटेंसिटी बढ़ा दी, इंटेंसिटी का मतलब कि जो नंबर ऑफ फोटॉन्स जो है, नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं उसको आपने बढ़ा दिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हीट कर रहे हैं उसको आपने बढ़ा दिया, तो भाई बढ़ा दिया तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हीट करेंगे तो ज्यादा फोटोन निकलेगा, तो ज्यादा रेडिएशन हो गए ना, तो ज्यादा रेडिएशन हो गए, इसका मतलब कि ये देखिए ये ग्राफ इंटेंसिटी बढ़ गई, इंटेंसिटी पहले इतनी थी, अब इंटेंसिटी कितनी हो गई, इतनी हो गई इंटेंसिटी, पहले इतनी थी अब इंटेंसिटी इतनी हो गई, इंटेंसिटी बढ़ गया, पहले इंटेंसिटी कम था अब इंटेंसिटी ज्यादा हो गया। क्यों, क्योंकि भाई मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो इंटेंसिटी ज्यादा है किसका, कंटिन्यूअस एक्सरे का, क्योंकि आपने
अभी जो है नंबर ऑफ फोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा दिए, नंबर इलेक्ट्रॉन्स मतलब जो कैथोड से आने वाले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा दिए। ओके, अब सपोज करिए कि आपने ऐसा किया कि वोल्टेज प्लेट्स के बीच में वोल्टेज आपने बढ़ा दी, अगर वोल्टेज बढ़ाओगे तो लैम्डा क्या होगा, घटेगा। वोल्टेज बढ़ाओगे तो लैम्डा घटेगा, मतलब पहले ये लैम्डा था अब क्या होगा, अब पहले ये लैम्डा था अब क्या होगा, ये हो जाएगा, मतलब यहां से ये हो जाएगा, समझने का, पहले लैम्डा ये था अब ये लैम्डा इतना हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा। देखिए आप देख रहे हो लैम्डा घट रहा है, लैम्डा घट रहा है क्यों, क्योंकि लैम्डा इसलिए घट रहा है कि वोल्टेज जब बढ़ रहा है, वोल्टेज बढ़ाने मतलब की एनर्जी बहुत हाई एनर्जी का फोटोन निकलेगा, ठीक है, फोटोन निकाला, हाई एनर्जी का फोटोन निकला और साथ में आपने, ठीक है, हाई एनर्जी का फोटोन निकलेगा, यहाँ पे देख सकते हो फोटोन आपका ज्यादा निकला। ओके, मतलब फोटोन हाई एनर्जी का फोटोन निकला। अब मान लीजिए अलग अलग में अलग अलग में वोल्टेज लेके अगर बात करो, देखिए वो कैथोड और टारगेट के बीच में, अगर प्लेट और टारगेट के बीच में अगर हम वोल्टेज ज्यादा ज्यादा लगाएंगे, वोल्टेज पहले कम था तो ये देखिए ये वेवलेंथ ज्यादा था, ये फॉर्मूला आपके पास है, देखिए वोल्टेज कम था तो वेवलेंथ ज्यादा था, वोल्टेज कम था तो वोल्टेज ये वेवलेंथ ज्यादा था, ठीक है, ये चीज आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे वेवलेंथ जो है ना ज्यादा है, अगर पोटेंशियल कम है, पोटेंशियल इससे ज्यादा है तो वेवलेंथ और कम हो गया, और कम हो गया, ठीक है ना, और कम हो गया, आप देख सकते हैं चीज, पोटेंशियल ज्यादा, यहाँ पे आप देख सकते हैं वोल्टेज ज्यादा है, मतलब क्या है भाई, वोल्टेज बढ़ रहा है, देखिए पहले 20,000, 30,000, 40,000, ये आपका 50,000, ओके 40 किलो वोल्ट, ये आपका जो है अलग अलग हुआ, तो उसके बेसिस पे उसके उसके अकॉर्डिंगली आपका लैम्डा जो होगा वो भी बढ़ेगा, चेंज होगा, वेवलेंथ जो ना वो वेवलेंथ की वैल्यू घटेगी, क्योंकि ज्यादा एनर्जी का रेडिएशन होगा। अब नेक्स्ट आते हैं, तो ये हमारे ख्याल से मेरे ख्याल से कंटिन्यूस एक्सरे समझ में आ गया होगा। कंटिन्यूस एक्सरे बेसिकली कैसे पैदा होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन कैथोड से आता है, इलेक्ट्रॉन कैथोड से निकल के आता है, टारगेट को हीट करता है, ओके, और टारगेट को हीट करता है तो क्योंकि वो स्टॉप हो गया, हीट करने के बाद स्टॉप हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन स्टॉप हो जाता है, क्योंकि या यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है, मतलब टारगेट में पॉजिटिव चार्ज लगा के रखा है सर्किट के थ्रू, तो ये सर्किट में सर्किट पूरा करने में लग जाएगा, वो सर्किट यहाँ से आया है, हिट किया, हिट करने के बाद ये टारगेट से ये होगा सर्किट को कंप्लीट करेगा। ओके, तो ये चीज आपका यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि जो भी एनर्जी बेसिकली क्या लेके आया वो यहाँ पे हीट किया, और क्योंकि सडनली रेस्ट पे आया है, सडनली रेस्ट में आया मतलब रिटार्ड हुआ है, रिटार्डेशन भी तो नेगेटिव एक्सेलरेशन ही है, और आपको पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी आपको ये बोलती है कि अगर कोई चार्ज एक्सेलरेटेड चार्ज है तो वो रेडिएशन करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, तो यहाँ से जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्सरे ही है यहाँ पे, जिसको हम कंटिन्यूस एक्सरे बोलते हैं, राइट। अब बात करते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे क्या है, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे है क्या, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे के बारे में बात करते हैं। देखिए अगर मान लीजिए कि ये कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे जो होगा ना वो क्या है, बेसिकली वो ये टारगेट के जो है ना, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे जो है वो टारगेट के कैरेक्टर को बताता है कि भाई ये इस टारगेट में कौन सा मटेरियल लगा है, कौन सा मटेरियल का इसमें आपने लगा रखा है, वो टारगेट इसका मटेरियल। तो यहाँ पे सपोज करिए आपने पहले एक टारगेट जो लगा रखा है, तो यहाँ पे सपोज करिए कि आपने पहले एक मटेरियल रख रखा था, कोई भी मान लीजिए मटेरियल, टंगस्टन ले लीजिए, मोलिब्डेनम ले लीजिए, कोई भी दूसरा मटेरियल ले सकते हैं, ओके कॉपर ले लीजिए, तो यहाँ पे कोई टारगेट आपने, टारगेट मतलब इस मटेरियल, देखिए मटेरियल नॉर्मली जो लेते हैं वो काफी हाई मेल्टिंग पॉइंट के लेते हैं, क्योंकि जब ये हीट करता है तो बहुत एनर्जी निकलती है, बहुत एनर्जी निकलती है, समझे, ऑलमोस्ट हमें 99.5% तक तो हीट में चला जाता है, 0.5% ही रेडिएशन में निकलता है, तो उतना हीट जब निकलेगा तो उसको बर्दाश्त करने के लिए आप यहाँ पे ये भी तो होगा कि उसको इसको
विदस्टैंड करने के लिए कुछ इसका मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई होना पड़ेगा और बाकी इसको कूलिंग करने के लिए सिस्टम लगा रहता है, ठीक है ना। तो बेसिकली हम मेन आते हैं पॉइंट की उसमें अगर देखिए यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स पैदा कैसे होता है, क्या है यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताता है इसके बारे में कि क्या है यहाँ पे टारगेट का मटेरियल क्या है, टारगेट मटेरियल आपने जो लगा रखा है वो कैसा मटेरियल लगा रखा है, ठीक है। ये चीज आप अलग अलग मटेरियल लगाओगे तो उसको करस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसी भी अलग अलग निकलेगी, उसको बताएगा उसके कैरेक्टर के बारे में बताएगा, इस टारगेट के मटेरियल के कैरेक्टर के बारे में बताता है, इसलिए हम इसको कैरेक्टरिस्टिक मटेरियल कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे बोलते हैं, ओके। इसको कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे इसलिए बोलते हैं, बातें इसके ऊपर कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे क्या होगा तो बेसिकली देखिए कई बार होता है कि बहुत तेजी से बहुत हाई स्पीड से इलेक्ट्रॉन आया और हाई स्पीड से इलेक्ट्रॉन आया और वो जो टारगेट है टारगेट को हिट किया, टारगेट को हिट करते ही हिट करते समय उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन को लेकर चला गया, बहुत हाई स्पीड से आया, समझ के लिए हाई स्पीड से आया और ये क्या करेगा कि हाई स्पीड से इलेक्ट्रॉन आया और ये जो एटम है एटम के इलेक्ट्रॉन को अपने साथ साथ लेके चला गया, इसको लेते हुए और निकलते चला गया, एक तो इलेक्ट्रॉन एक आ ही रहा था, ये आया ही यहाँ इसको और साथ में यहाँ पे जो ऑर्बिट पे घूम रहा था उस ऑर्बिट पे जो घूम रहा था उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को भी बाहर निकाल दिया, इसने इतना तेजी से हिट किया अंदर, बहुत हाई पेनिट्रेट कर दिया अंदर, ठीक है। तो निकाल दिया एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, अब यहाँ पे क्या होगा कि एक खाली यहाँ पे जगह हो गई, यहाँ पे जगह खाली हो गई यानी वैकेंसी बन गई, अब वैकेंसी बन गई तो क्या होगा इसको भरने के लिए इसके अगल बगल के जो पास के जो ऑर्बिट वाले हैं ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कोशिश करेंगे इसको भरने के लिए, ठीक है। ये भरने के लिए यानी कि अब ये सबसे पहले नॉर्मली कोशिश करते हैं कि इसके जो बगल वाला जो पड़ोसी है क्योंकि इसमें पड़ोसी को ज्यादा इन्फ्लुएंस होगा, यहाँ पे वैकेंसी है तो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस पड़ेगा इसके पड़ोसी को, ओके। उसके जो बगल वाले को सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस होगा उससे फर्क पड़ेगा तो वो वहां से जंप करने की कोशिश करे, सबसे पहले उसका पड़ोसी कोशिश करता है कि जंप करे, सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी रहती है उसका पड़ोसी की जंप करे, लेकिन उसका जस्ट एडजेसेंट ऑर्बिट होगा वहां से जंप करने का, उससे जंप करके इसको फील करने का पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद फिर ये जब यहाँ से यहाँ जंप कर जाएगा, जंप करेगा तो यहाँ वैकेंसी बन जाएगी, यहाँ वैकेंसी बनेगी तो यहाँ से ये जो वैकेंसी बनेगी वो इसके ऊपर वाला भरेगा, ओके, इसे भरेगा। तो जब ये जंप करेगा तो इसके जब जंप करेगा तो ये क्या हो रहा है कि जंप करेगा तो ये फोटोन निकलेगा, ये फोटोन बेसिकली कौन सा है, ये फोटोन ही तो एक्सरे है, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे इसके कैरेक्टर के बारे में बताएगा, ओके। तो इसको कैरेक्टर के बारे में बताएगा, इसको थोड़ा सा हम और देख लेते हैं कैसे इसको, ओके, इसको तो मान लीजिए यहाँ पे इसको देख लेते कैसे ये होगा। सपोज करिए कि इसको बोलते हैं की ऑर्बिट, एन इक्वल टू वन को की ऑर्बिट बोलते हैं, इसके बाद एल ऑर्बिट बोलते हैं, एम बोलते हैं और इसको एम एन बोलते हैं। ये इसमें एन इक्वल टू वन होता है आपको पता है, एन इक्वल टू वन होता है, एन इक्वल टू वन होता है, इसको नाम देते हैं के एल एन, ओके एन। अब सपोज करिए यहाँ पे वैकेंसी हो गई, तो यहाँ पे वैकेंसी हो गई, जब यहाँ पे वैकेंसी किस में वैकेंसी हो रही है के, तो जब के में वैकेंसी हो गई तो वहां पे फिल करने के लिए इससे एल से भी आ सकता है, इससे भी आ सकता है और यहां से भी आ सकता है, किसी से भी आके और सकता है। सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि उसके उस बगल वाला भरे, ओके, सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं किसके बगल वाला, क्योंकि उसको इन्फ्लुएंस सबसे पहले इसके वजह से इन्फ्लुएंस उसके पड़ोसी को पड़ेगा, उसके बगल वाले को ही इन्फ्लुएंस पड़ेगा, तो इसलिए वो सबसे ज्यादा उसको पॉसिबिलिटी होती है उसको हेल्प करने का, भरने का, फील करने का। अगर यहाँ से आ रहा है तो नहीं के ऑर्बिट में क्या, ये के ऑर्बिट में जा रहा है ना, लैंडिंग किस में हुई है यानी फील किसको कर रहा है, के ऑर्बिट में जा रहा है और इसके जस्ट बगल वाले से हो रहा है तो हम इसको बोलते के अल्फा, यानी उसके जस्ट बगल वाले से भर रहा है तो के अल्फा बोलेंगे, उसके बगल के बगल वाले से भरेगा तो किस में जा रहा है, लैंड किस में कर रहा है, के में,
कितने दूर से एक के बाद एक को छोड़ के उसके बाद उसके बाद वाले से लैंड कर रहा था, उसको बोलते किलोमीटर। उसके बाद यानी पहले उसके जैसे यहाँ पे भर रहा था उसके जस्ट बाद वाले से आ रहा था किलोमीटर, उसके जस्ट बाद वाले से आ रहा था किलोमीटर, उसके और आगे से आ रहा था उसको बोलते के गामा, के गामा। ठीक है, ये यानी कि लैंडिंग कहाँ पे किया उसके नाम पे इसका नाम है, और अल्फा बीटा गामा ये इस पे नाम है, इस पे है कि कहाँ से फील हो रहा है, कितने कौन से ऑर्बिट से फील हो रहा है उसके बेसिस। अगर मान लीजिए यहाँ पे वैकेंसी बन गए और इसके फील हो रहा है कहाँ से, यहाँ से एम से, तो इसको एम और कहाँ से आया जस्ट बगल वाले से आया तो बगल वाले से तो अल्फा एम अल्फा, फिर यहाँ से आएगा तो इसको बोलते हैं एल है ना एल, इसको जस्ट कर देता हूँ एल वाले में फील हो रहा है तो इसको एल एल बोलेंगे। ठीक है, तो इसको यहाँ पे देखिए इसको फिर से रिड्रॉ कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो ये आ रहा है किस पे बेसिकली एल एल में इसके जस्ट बगल वाले से आ रहा है तो इसको बोल देंगे एल अल्फा। यहाँ पे लैंडिंग किस में हो रही है, एल में हो रही है, लेकिन किस में हो रही है ए छोड़ के, तो ये अल्फा बीटा इसको बोलेंगे बीटा। ठीक है, इसमें एल में हो रही है लैंडिंग लेकिन अब एक में जस्ट बगल वाले से हो रही है एल अल्फा, उसके और बगल से हो रही है उसके और आगे वाले से हो रही है तो एल बीटा। एल ऐसे तरह से हम कर सकते हैं। ओके, और सबसे ज्यादा ठीक है, अब एक ही ज्यादा देख सकते हो एनर्जी किस पे सबसे ज्यादा होगी, जितना ज्यादा गैप होगा उतनी ज्यादा एनर्जी होगी, इसका इसमें गैप ज्यादा है तो सबसे ज्यादा एनर्जी इसके करस्पॉन्डिंग होगी, उससे कम एनर्जी इसकी होगी, उससे कम एनर्जी इसकी होगी। ओके, तो एनर्जी इसकी सबसे ज्यादा है तो वेवलेंथ सबसे कम होगा, सबसे ज्यादा एनर्जी है इसकी क्योंकि ये गैप ज्यादा है, सबसे ज्यादा गैप है और सबसे ज्यादा गैप है तो सबसे ज्यादा एनर्जी होगी, सबसे ज्यादा एनर्जी होगी तो सबसे कम वेवलेंथ होगा। यानी कि अगर बोलूं कि वेवलेंथ के नाम पर बात करूं तो एल गामा सबसे कम होगा, एल बीटा उसके बाद एल अल्फा सबसे कम होगा, एल गामा उसके बाद बीटा उसके बाद अल्फा। ओके, अब सबसे कम होगा एल अल्फा, उसके टर्म में अगर बात करूं तो लेकिन इंटेंसिटी सबसे ज्यादा अल्फा की होगी, इंटेंसिटी अगर बात करूं तो आई अल्फा सबसे ज्यादा इंटेंसिटी क्यों सबसे ज्यादा होगी क्योंकि उसके बगल में है तो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस इसी पे आएगा, तो सबसे ज्यादा ये निकलता है, सबसे ज्यादा ये फील होने के चांसेस रहते हैं, तो सबसे ज्यादा रेडिएशन आपका ये टी अल्फा वाले रेडिएशन सबसे ज्यादा होते हैं, उसको इंटेंसिटी बी इंटेंसिटी बीटा की इसको थोड़ा सा मैं और थोड़ा बेटर वे में लिख सकता हूँ। ठीक है, जिससे कि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो। करेक्ट, तो बेसिकली इंटेंसिटी इसकी के अल्फा की, के अल्फा की सबसे ज्यादा, उसके बाद इंटेंसिटी के बीटा की, के बीटा उसके बाद इंटेंसिटी के गामा, के गामा की सबसे ज्यादा। ठीक है, के गामा की इंटेंसिटी इस तरह से होगी। ओके, यहाँ से हम देख सकते हैं। अब इसी को अगर ग्राफ पे प्लॉट करना चाहें तो कैसे होगा, तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा पहले ग्राफ जाने से पहले हम देखते हैं कि कैसे है भाई, हायर एनर्जी स्टेट है, हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आ रहा है, ओके, हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी स्टेट में जा रहा है, तो यहाँ से जो रेडियस जो डिफरेंस होगा डिफरेंस के बराबर ही तो ये किसके बराबर होगा, माइनस ई फाइनल के होगा, और दिस इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। और यहाँ पे एनर्जी यहाँ पे आप देख सकते हैं उसको एच सी बाय लैम्डा, जितनी ज़्यादा एनर्जी गैप होगा उतनी कम वेवलेंथ होगी। ओके, और इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया आपको वही चीज़ें यहाँ पे है कि भाई किससे लैंड होनी है और किसको अल्फा किसको क्या बोलेंगे, नाम कैसे बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे ठीक है ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ। यहाँ पे अगर ग्राफ के तौर पर अगर देखें तो देखिए ग्राफ में कैसा है, मैंने आपको भी बताया कि सबसे ज़्यादा जो निकलेगी, अब यहाँ पे ग्राफ समझने के लिए बेटर होगा कि हम थोड़ा सा एक फिर से मैं ड्रॉ कर दूँ उसको। ठीक है, तो बस एक मिनट में इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ ग्राफ को, ठीक है, जिससे कि आपको मैं समझा पाऊँ अच्छे से। ये पॉजिटिव है और ये ठीक है, तो यहाँ पे एल एम के सबसे पहले किया जाएगा। ठीक है, इसको कर लेता हूँ,
कर लेते हैं सर KSKLMN ओके। अब देखिए सबसे ज्यादा इससे लैंडिंग होगी इससे, तो इसको बोलते हैं K अल्फा, इसके बाद K बीटा, उसके बाद K गामा, ओके K गामा सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी होगी लैंड करने की, हो अल्फा K अल्फा की होगी, इसके बाद K बीटा की होगी, K गामा की होगी, ओके सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी होगा। पॉसिबिलिटी का मतलब इंटेंसिटी का मतलब कि नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन ऑफ एक्सरे यानी कि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ एक्सरे कौन सा होगा, ये के अल्फा, और उसके बाद ये। लेकिन एनर्जी की बात करें तो सबसे ज्यादा एनर्जी इसकी होगी, एनर्जी ज्यादा है इसका मतलब वेवलेंथ कम है, अभी आपको मैंने सीरियल में बताया था पहले। तो लैम्डा की बात करें तो लैम्डा जो होगा के गामा का वो सबसे कम होगा, उसके बाद लैम्डा होगा के बीटा का वो होगा, उसके बाद होगा लैम्डा के अल्फा का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इंटेंसिटी की बात करो तो इंटेंसिटी की किसकी होगी, के अल्फा की, वो इंटेंसिटी सबसे ज्यादा के किसकी होगी भाई, सबसे ज्यादा के अल्फा की होगी, ओके। और उसके बाद इंटेंसिटी होगी सेकेंड में, ठीक है, ये चीज मैं बता चुका हूँ, इसकी के बीटा की होगी और उसके बाद होगी के गामा की, ठीक है। अभी इसको अगर देखा जाए तो देखिए सबसे कम वेवलेंथ वेवलेंथ के अल्फा की होनी है, तो सबसे मतलब के अल्फा इधर होना चाहिए, इस तरफ होगा के अल्फा, ठीक है, के अल्फा इस तरफ होगा। एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होगी, एनर्जी सबसे ज्यादा होगी इसकी, देखिए इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है के अल्फा की, अगर इंटेंसिटी सबसे ज्यादा के अल्फा की होगी इसका मतलब ये स्पाइक आपका के अल्फा का होना चाहिए, मतलब ये होगा के अल्फा की जो स्पाइक होगा के अल्फा का होगा, उसके बाद के बीटा का होगा, उसके बाद यहाँ पे के गामा का भी आप लिख सकते हैं। लेकिन अब बात आती है कि भाई ये सबसे बड़ा वाला स्पाइक इधर होना चाहिए कि इधर होना चाहिए, ये भी अलग डाउट कि भाई ये सबसे बड़ा जो स्पाइक होगा इस तरफ होगा कि इस तरफ होगा। देखिए अगर एनर्जी सबसे कम है के अल्फा की तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ होगा, देखिए वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी, ठीक है, उससे कम वेवलेंथ होगी के बीटा की, उससे कम वेवलेंथ होगी के, ठीक है ना, तो यहाँ के अल्फा के बीटा और के गामा ये इस तरह से आपका रहेगा, ओके। उसके बाद एल की बात करते हैं तो एल एल में यहाँ पे लैंडिंग होगी सबसे बगल वाले से पहले, तो एल अल्फा, उसके बाद से एल बीटा, ओके एल बीटा, तो सबसे अभी इसमें एनर्जी अगर देखेंगे तो एनर्जी इसकी ज्यादा होगी, यानी कि वेवलेंथ इसकी कम होगी, यानी कि लैम्डा ऑफ, अगर मैं बोलूं कि लैम्डा ऑफ एल बीटा इज लेस देन लैम्डा एल अल्फा, ओके तो ये वाला कम होना चाहिए ज्यादा होना चाहिए, ओके तो ये ज्यादा होना चाहिए कि ये स्पाइक मतलब ये जो होगा ये दूर होगा, यानी बड़ा होगा ज्यादा होगा अल्फा वाला, एल अल्फा वाला और एल बीटा वाला तो कम होगा। मेरा थी कि जो ज्यादा इसकी स्पाइक है वो इस तरफ होना चाहिए कि इस तरफ होना चाहिए, ज्यादा स्पाइक इस तरफ होगा कि इस तरफ, तो ज्यादा स्पाइक के बारे में देखते कि भाई इंटेंसिटी किसकी ज्यादा होगी, तो इंटेंसिटी एल अल्फा की ज्यादा होगी, तो एल अल्फा की इंटेंसिटी ज्यादा है, इसका मतलब ये एल अल्फा है और इसकी स्पाइक ज्यादा, स्पाइक का मतलब है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स जो है उनकी बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ फोटॉन्स जो है, आप इसको देख लीजिए ध्यान से और काफी अच्छा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ठीक है। दो चीजों का ध्यान रखना आपको, अगर बगल वाला है तो इंटेंसिटी ज्यादा होगी, इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो उसका स्पाइक सबसे ऊंचा होगा, या स्पाइक उसका ऊंचा होगा कंपैरेटिवली, और अगर दूर से जंप कर रहा है तो दूर से जंप कर रहा है तो उसका एनर्जी ज्यादा होगा, जब नजदीक से जंप कर रहा है उसका एनर्जी कम होगा, एनर्जी कम होगा मतलब उसका वेवलेंथ ज्यादा होगा, वेवलेंथ ज्यादा होगा क्योंकि उसने राइट साइड में लाइक करेगा, ओके राइट साइड में लाइक करेगा। नेक्स्ट आते हैं, अब इसी का यूज करते हुए देखिए कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे, यानी कि जो मोसले थे, मोसले एक साइंटिस्ट थे
जिन्होंने मतलब कि यहाँ पे जो टारगेट है एक्सरे का उसको अलग अलग चेंज करके और उन्होंने देखा अलग अलग मटेरियल्स अलग अलग एलिमेंट्स यूज किया उन्होंने अलग अलग एलिमेंट्स यूज करके और उन्होंने उसका प्रैक्टिक्स ये निकाला प्रैक्टिकल किया और उन्होंने बेसिकली जो जो एक्सरे निकल रहा है कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे में के अल्फा का के लिए बेसिकली के अल्फा की फ्रीक्वेंसी मेजर की उन्होंने बेसिकली के अल्फा के लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो के अल्फा का जो फ्रीक्वेंसी है और जो उसका एटॉमिक नंबर है उनके बीच में रिलेशन लेके आया है इसी के मतलब इनके एक्सपेरिमेंट के बाद ही जो आपका पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे बना पहले एटॉमिक मास के बेसिस पे बना था ओके और उसके बाद उन्होंने इसको करेक्शन किया इनके एक्सपेरिमेंट की वजह से ही मोस्टली लॉ के बेसिस पे ही इनका ये एक आपका हो पाया है ठीक है ये चीज काफी इंटरेस्टिंग है बहुत तो उन्होंने ये देखा कि जो भी निकल के आ रहा है जो भी यहाँ पर उन्होंने ये चीज देखा कि जो किसी एक्सरे में के अल्फा सभी लाइन नहीं सिर्फ के अल्फा लाइन को उन्होंने देखा कि के अल्फा का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो फ्रीक्वेंसी के अल्फा का फ्रीक्वेंसी का रूट जो होता है वो यानी कि उन्होंने ये देखा कि के अल्फा की फ्रीक्वेंसी का रूट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एटॉमिक नंबर और एटॉमिक नंबर के जेड माइनस बी ये जेड माइनस बी जहाँ की बी की वैल्यू जो होती है वो वन होती है और ए की वैल्यू जो है वो यहाँ से मतलब ए की वैल्यू इन्होंने निकल के आती है हमारी ठीक है तो ए की वैल्यू यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 3/4 आर सी आर जो है लीडो कॉन्स्टेंट है और जेड माइनस वन ये इतना इनपुट में है बाकी ये अलग है बाहर है बेसिकली प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट की तरह इन्होंने इस्तेमाल किया है एक तरह से ये ठीक है ना जैसे अभी मैं आपको दे रहा था ना यहाँ पे ये दिया मैंने कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट लग गया यानी कि अगर मैं इसको यूज करूँ तो अंडर रूट ऑफ एफ के अल्फा इक्वल टू ए इंटू जेड माइनस बी वेयर बी इक्वल टू वन ओके एंड ए इक्वल टू अंडर रूट ऑफ दिस ए इक्वल टू दिस वन ओके तो यहाँ से और इसको तो ये फ्रीक्वेंसी इसको इन्होंने क्या किया कि प्लॉट किया तो एक स्ट्रेट लाइन आया मतलब उनका ये कंक्लूजन निकला कि जो कैरेक्टर है एलिमेंट्स का वो आता है एटॉमिक नंबर से वो एटॉमिक नंबर से रिलेट होता है एटॉमिक मास से नहीं एटॉमिक नंबर से ये सही बैठता है और उसके बेसिस पे ही उन्होंने ये किया काफी अच्छा पॉइंट देता है ये एक्सरे की वजह से निकल के आया ओके तो यहाँ पे इसको देख सकते हैं राइट तो यहाँ पे ए की वैल्यू रूट ऑफ 3/4 आर सी आर इज द रिपो कोशेंट एंड सी इज द स्पीड ऑफ लाइट ओके तो इन्होंने ये जो एक्सपेरिमेंट है वही सारी चीजें कुछ कुछ है जो पॉइंट्स आप लोग जो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ ओके तो एटॉमिक नंबर तो यहाँ पे ठीक है ये अब जैसे कि मान लीजिए कि आप कोई एक्सरे कराने जाते हैं तो एक्सरे कराने जाते हैं तो क्या होता है कि भाई यहाँ से एक्सरे निकला और यहाँ पे कोई फोटोग्राफिक प्लेट है या कुछ भी है तो कोई किसी ने अपना बॉडी पार्ट ही लाकर रखा है तो ये क्या होता है कि ये जो मटेरियल्स होते हैं या जो बॉडीज होते हैं वो कुछ एक्सरे को एब्जॉर्ब करते हैं तो जो भी इंटेंसिटी आ रही है उसमें कुछ पार्ट ही बाहर जाता है वो डिपेंड करता है कितना एब्जॉर्ब करेगा ये डिपेंड करता है कि ये मटेरियल कैसा है ये डिपेंड करता है कि मटेरियल किस तरह का है तो अब यहाँ से एक्सरे आया और यहाँ पे इस पे सपोज करें कि यहाँ पे फिल्म है और फिल्म के पहले हमने बॉडी लग रखा है तो वो एक्सरे इससे गुजारा जाता है जहाँ जहाँ देखेंगे कि जहाँ मांस है जहाँ पे बसल्स है उसको पार कर लेता है आसानी से जहाँ हड्डियाँ है वहाँ पे हड्डियों में उसका उतना नहीं पेनिट्रेट करता तो उससे एक निशान बन जाता है जिसके ऊपर बेसिस पे डॉक्टर इसको एनालाइज करते हैं और बीमारी को पता मतलब प्रॉब्लम्स का पता चक्कर लगाते हैं ठीक है और चलिए अब इसके बाद एक क्वेश्चन कर लेते हैं होपफुली ये सब समझ में आ गया होगा ठीक है क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि कैसा है अगर मान लें कि यहाँ पे सबसे एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसको ठीक है तो हाँ एक और चीज है ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन है सो दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ के बीटा एक्सरे ऑफ ए मटेरियल इज इक्वल टू द सम ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ के अल्फा एंड के एल लैम्डा एक्सरे ऑफ द सेम मटेरियल तो
सपोज करें कि के है एल है अरे एम है, तो यहाँ से लैंड जो करेगा, ये जो लैंड कर रहा है, ठीक है, तो ये लैंड जो कर रहा है ये के अल्फा है, के अल्फा यहाँ से जो लैंड कर रहा है वो के बीटा, क्योंकि उसको अगले वाले से कर रहा है, और यहाँ पे एल से लैंड कर रहा है तो ये एल लैंड ये होगा, ये होगा एल अल्फा होगा। ओके, तो ये बेसिकली हमें क्या दिखाना है, हमें बेसिकली दिखाना है कि यहाँ पे अगर देखिए तो फ्रीक्वेंसी ऑफ के बीटा ऑफ एक्सरे एक्सरे ऑफ मटेरियल इज इक्वल टू, तो यहाँ पे हमें दिखाना है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ के बीटा इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ के अल्फा प्लस फ्रीक्वेंसी ऑफ एल अल्फा। ओके, ये आएगा, ये आपको दिखा रहा है बेसिकली, कैसे कर सकते हैं भाई, देखिए हमें थोड़ा सा आप यूज करेंगे फॉर्मूले वगैरह तो हमारे पास काफी चीजें आ जाएंगी। कैसे कर सकते हैं, तो इस फॉर्मूले डायग्राम का इस्तेमाल करिए, के अल्फा रेज इज दिस वन, के अल्फा कैसे बनेगा, के अल्फा इससे बनेगा। ओके, के अल्फा आएगा कैसे, तो आएगा इस यहाँ से, मतलब इस यहाँ से हम जंप करेंगे तो के अल्फा आएगा, और दैट इज इक्वल टू के अल्फा इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल के अल्फा ई के अल्फा इक्वल टू ई एल ई एल एन इस एनर्जी इसका माइनस इसका एनर्जी। ओके, और बीटा किसका, बीटा कैसे बनेगा, बीटा बनेगा आपका, ठीक है, कैसे बनेगा बीटा, तो के बीटा बनेगा आपका वहां से जंप कर रहा है, इसके ऊपर वाले से जंप करेगा तो के बीटा बनेगा, ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं के ई के बीटा ये कैसे बनेगा, तो ई एम माइनस ई के, ठीक है, और उसके बाद यहाँ से एल अल्फा कैसे बनेगा, ई एल अल्फा कैसे बनेगा, तो ई एल अल्फा कैसे बनेगा यहाँ पे इसके बगल वाले से, तो ये ई एम माइनस ई एल, ठीक है, इसको थोड़ा मैनिपुलेट करेंगे, यानी कि थोड़ा कैलकुलेशन अगर आप करते हैं तो यहाँ से आप सम कर सकते हैं, इसको जो सब मैनिपुलेट करेंगे तो आपको इसको आप सम कर लीजिए, ये जो है ये आपका आ जाएगा, और इसको दोनों को आप सम करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये और ये दोनों को ऐड कर लेंगे तो आपको ये चीज़ें, ठीक है, तो ये मिल जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं इसको फिनिश। उसके बाद इस एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, फाइंड विच इज के अल्फा एंड के बीटा, हमें फाइंड आउट करना है भाई कौन सा के अल्फा है कौन सा बीटा, के बीटा है बताइए, के अल्फा एंड के बीटा कौन सा है बताइए तो ये इस तरह क्वेश्चन आपको हो जाना चाहिए, क्योंकि अभी मैंने किया था ये चीज़ें बताई थी आपको, के अल्फा, के अल्फा ये के है और ये एल है और ये एल, तो ये यहाँ से यहाँ जब बगल वाले से जंप करेगा तो के अल्फा होगा, उसके और आगे से जंप होगा तो के बीटा होगा, ठीक है ना। अब आप बता सकते हो कि एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, के अल्फा के बीटा की एनर्जी ज़्यादा होगी, के इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ कम होगी, वेवलेंथ कम होगी मतलब ये जो कम वेवलेंथ होगा ये आपका लैम्डा के बीटा होना चाहिए, और ये ज़्यादा वेवलेंथ वाला एनर्जी कम है ना, ये यहाँ से जंप करेगा तो एनर्जी कम है, एनर्जी कम है तो वेवलेंथ ज्यादा होना चाहिए, दिस इज लैम्डा के अल्फा। ओके, यहाँ से आप कर सकते हैं, अब यहाँ पे एक मशीन से देख सकते हो कि स्पाइक की उसकी ज्यादा है, ये सही है कि नहीं चेक कर सकते हैं, कई बार पूछा भी जाता है, तो जस्ट बगल में है तो जस्ट एडजेसेंट है तो प्रोबेबिलिटी इसकी ज्यादा है जंप करने की, तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा है तो यहाँ से जंप करेगा। ओके, तो ऑफकोर्स के अल्फा की ज़्यादा इंटेंसिटी होगी, इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, होनी चाहिए ऑफकोर्स, ये के अल्फा स्पाइक ज़्यादा है भी। ओके, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, राइट, तो यहाँ तक आपका ऐसे हमने कवर कर लिया है, और होपफुली आपको समझ में आया, कोई डाउट हो तो आप कमेंट में डाल के और आप हमसे पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन वगैरह होगा वो भी आप पूछ सकते हैं। कई बार अभी जैसे ये सारे वीडियोज जैसे पूरा मॉडर्न फिजिक्स कवर होगा उसके बाद
हम सारे बहुत सारे क्वेश्चंस ला के प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे ओके, जिससे कि आपका एक तरह से सारा कवर हो जाए ओके। तो आप लोग हमारे चैनल में बने रहिए और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब सो दैट कि हम और भी वीडियोस लगातार लाते रहेंगे और आपके जो भी डाउट्स हैं वो भी लेते रहेंगे ओके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।